पप्पू शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर सपा सांसद का बयान, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपू शर्मा पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट का तो स्वागत किया है, लेकिन साथ ये भी कहा है हम इस बात के लिए कतई राजी नहीं, सिर्फ माफी से काम चल जाए। आप बड़ा क्राइम कर दें, किसी का कत्ल कर दें, उसके बाद माफी मांग लें, तो ये तो संभव नहीं है। एक ऐसी लेडी जिसके बयान से देश ही नहीं दुनिया भर ने हमारे देश से शिकायत की है, और उसके इस बयान के बाद ही उदयपुर में एक कत्ल हो गया, हालात पूरे देश के खराब हो गए, यहाँ के रहने वालों के बीच दूरियां बढ़ गईं। क्या सिर्फ माफी काफी है? मैं तो इस बात की डिमांड पार्लियामेंट में भी करूँगा। ऐसे बयान चाहे हिंदू दे या मुसलमान, जिसके बयान से पेशवाओं की बेअदबी होती है और लोग आपस में लड़ने मरने को आमादा हो जाएं और लोगों की मौत हो जाए, तो बयान देने वाले के ऊपर भी कम से कम 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसे तुरंत जेल भेजना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि अभी तक नुपुर शर्मा को हमारी सरकार ने जेल नहीं भेजा। मामूली सी बात में लोग जेल चले जाते हैं। इस बयान से मुसलमान ही आहत नहीं है, 90% हिंदू भाई भी गलत मानते हैं। सपा सांसद इतने भर से नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीने से ऐसा लग रहा है कि प्लान तरीके से हमारे प्यार मोहब्बत को कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं, जिससे देश कमजोर होने की साजिश है, ताकि हमारा देश महाशक्ति ना बन पाए। सांसद जी, पिछले काफी समय से आप नुपुर शर्मा को लेकर के बयान दे रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है, ये कहा है कि देश के अंदर जो भी माहौल बिगड़ रहा है उस सबकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा और उनका बयान है, किस तरह से देखते हैं? यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो 101% सही है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बयान की और इस फटकार का समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए राजी नहीं है कि सिर्फ माफ़ी से काम चल जाएगा। आप बड़ा क्राइम कर दें, किसी का कत्ल कर दें, उसके बाद माफ़ी मांग लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। एक ऐसी लेडी जिसने कैसा बयान दिया हो जिससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के अंदर जिसका रिजेंटमेंट हुआ हो, और सिर्फ मुस्लिम देशों ने ही नहीं बल्कि तमाम देशों ने इस बात की हमारे देश से शिकायत करी, तो ऐसी लेडी जिसके बयान की वजह से एक कत्ल हो गया, हालात पूरे देश के ख़राब हो गए, यहाँ के रहने वालों के बीच में दूरियाँ बढ़ गईं, क्या सिर्फ माफ़ी काफ़ी है? मैं तो ये कहता हूँ और मैं इस बात की डिमांड पार्लियामेंट में भी करूँगा कि ऐसा बयान चाहे कोई दे, चाहे हिंदू दे मुसलमान दे, जिससे दूसरे के मज़हब के पेशवाओं की बेइज्जती करी जाए और लोग आपस में लड़ने मरने को आमादा हो जाएं और लोगों की मौतें हो जाएं, तो कम से कम जिस बयान देने वाले के ऊपर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए, उसे तुरंत जेल भेजना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि अभी तक नुपुर शर्मा को हमारी सरकार ने जेल नहीं भेजा। मामूली मामूली बातों में लोग जेल चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाने। सिर्फ मुसलमान ही आहत नहीं है इससे, हमारे हिंदू भाई भी, 90% हिंदू भाई इस बयान के ख़िलाफ़ हैं, और वो यही बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर मानी जाती है कि हम सर्वधर्म सम्भाव में यकीन करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब है। ये ऐसा लगता है कि प्लान तरीके से पिछले 7-8 महीने से हमारी प्यार मोहब्बत को लोग बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे देश कमज़ोर होने की साजिश है, ताकि हमारा देश महाशक्ति ना बन पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर घटना को लेकर के भी नुपुर शर्मा को कहा है कि आपके ही बयान की वजह से जो है मतलब ये पूरी घटना हो गई है। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो सही कहा है, यही तो बयान था जो भी घटना हो गई। हालांकि हम इस घटना का समर्थन नहीं करते, हिंदुस्तान के तमाम ही मुसलमानों ने इस बात के इसके लिए खंडन करा है और इस बात को बुरा कहा है कि जिस तरह से जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर जिस तरह से एक शख्स को निर्ममता से मार दिया गया, इस्लाम कभी किसी ऐसे निर्ममता के और ऐसे सालिमाना तरीके से किसी को मारने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। कोई अपील देश के युवाओं से करना चाहे, क्योंकि आजकल आज के टाइम में जो देश का माहौल चल रहा है इसको लेकर कोई अपील देश के युवाओं से? मैं अपने देश के युवाओं से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन है, इसके ऊपर देश का पूरा भार आने वाला है, वो इस बात को समझें कि ये कौन सी साजिशें हमारे देश के ख़िलाफ़ हो रही हैं। अगर कोई हमारा देश कमज़ोर करना चाहता है तो उसका वाहिद और वाहिद तरीका